नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की दोस्तों जो जॉब है वो निकली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। फॉरेस्ट गार्ड की दोस्तों जो है वो वैकेंसी है, 902 पदों पर जो है वो आवेदन मांगे गए हैं। सभी भारतीय इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। जॉब लोकेशन दोस्तों आपकी जो है वो बिहार में रहने वाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपको जो है आवेदन कर देने हैं 31 जनवरी 2019 के पहले पहले, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो में दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन इस जॉब के बारे में, साथ ही बताऊंगा सही तरीका वीडियो के लास्ट में ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नोटिफिकेशन में जो है वो क्या क्या लिखा गया है। लिंक आपको नोटिफिकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में और अप्लाई ऑनलाइन का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको 5,200 से लेकर 20,200 तक सैलरी और साथ में आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा। बात करें दोस्तों वैकेंसीज की तो 902 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। जनरल कास्ट वालों के लिए, एससी एसटी के लिए अलग अलग जो है ये जॉब्स हैं। 902 जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 1 जनवरी 2019 तक आपकी एज और आपकी शिक्षा जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगा। अगर आप किसी बाहरी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल बन के ही जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे जो है वो हाइट का भी रखा गया है। अगर आप जो है वो मेल हैं तो आपकी ज़्यादातर हाइट अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी तरह दोस्तों आपका जो है वो पैदल चलने की क्षमता भी आपकी जो है वो होनी चाहिए अच्छी खासी, क्योंकि यही आपका जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। इसमें आपसे यही करवाया जाएगा चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं। फीमेल के लिए दोस्तों थोड़ा सा क्राइटेरिया उन्होंने कम कर दिया है। एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर और बाकियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट जो है वो रखी गई है। आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, पहले आपका जो है वो रिटन एग्जाम होगा। अगर आप उसमें जो है वो पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो 1/1/2019 को जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये चलेंगे 31/1/2019 तक। इसके बीच में आपको जो आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप जो है जनरल कास्ट से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको 450 रुपये की फीस जो है वो ऑनलाइन मोड से जो है वो पे करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप एससी एसटी हैं और बिहार स्टेट से हैं तो आपको 112 रुपये फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पे करनी पड़ेगी। बाकी जो नेट चार्जेस वगैरह होंगे वो अलग से आपके काटे जाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। वन रक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है +2 होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने +2 जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से करी हुई है, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से करी हुई है +2, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो है वो एज के बारे में बताया गया है कि अगर आप जो है वो जनरल कास्ट से हैं तो आपकी एज 18 से 23 साल तक होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 18 से 25 साल। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 18 से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो है आपको एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में दोस्तों बस यही सब कुछ लिखा है। अब मैं आपको ले चलता हूं उनकी वेबसाइट पर और बता देता हूं कि ऑनलाइन अप्लाई जो है आपको कैसे करना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है। ये लिंक भी मैं दे दूंगा नोटिफिकेशन के लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में। वहां पे क्लिक करेंगे सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि क्लोजिंग डेट जो है वो 31 जनवरी 2019 तक है। इसके बीच में आपको आवेदन जो है वो कर देना है। अगर आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा बिहार स्टेट से हैं या अदर्स से हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है दोस्तों आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें दोस्तों करने के बाद आपको नीचे आकर ये चीज़ें जो है वो सबमिट करनी पड़ेंगी। तो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।